नमस्कार, मैं आर एस रोहिला। आज आपको बताऊंगा कि बेसिल के पौधे को रिजुविनेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये बेसिल के पौधे आपके सामने दिखा रखे हैं और बेसिल के पौधे में जब भी कभी भी उसके सामने एक हरश क्लाइमेट होगा, जैसे 40 या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होगा एक एक उस समय, और दूसरा सर्दी में 15 से नीचे जब टेम्परेचर जाने लगेगा तो बेसिल का पौधा फ्लावर दे देता है और फिर उसके बाद उसमें बीज बन जाता है और वो पौधा उसके बाद ख़त्म हो जाता है। देखिए, ये जो बेसिल के पौधे हैं इनमें अगर आप उसके ख़त्म होने से पहले या उसमें जब सीड आने लगते हैं तो उस टाइम पे उसकी जड़ें, जो पुरानी जड़ें हैं, वो उसको मोड़ कर तोड़ देंगे तो पौधा दोबारा से रिजनरेट होने लगता है, रिजुविनेशन उस पौधे की होने लगती है और उसका जो रिप्रोडक्शन स्टेज है वो ब्रेकअप हो जाता है और पौधा जो है दोबारा से लीव्स देना शुरू कर देता है, नए नए कल्ले उसमें निकलने चालू हो जाते हैं और उसका जो रिप्रोडक्शन स्टेज है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, ये फील्ड अभी गर्मी की का जो सीज़न है उसको भुगत रहा है और उसी वजह से इसमें ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं, ज़्यादातर जो पौधे हैं बेसिल के, वो सब के सब फ्लावर कर गए हैं और सामने अब बारिश का मौसम आ रहा है, तो ऐसे समय में इन पौधों को जड़ के नज़दीक से झुका दिया जाता है। ये देखिए, ये एक आदमी, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ये पौधा पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ है और इसमें फल भी बन चुके हैं, सीड सेट हो चुका है और अब इसको देखिए इस तरीके से जड़ के पास से पकड़ के झुका दिया जाता है ताकि सॉयल के अंदर से उसकी जो पुरानी रूट्स होती हैं, टर्सरी रूट्स होती हैं जो उसको फीड कर रही हैं, वो एक बार ब्रेक हो जाती हैं और पौधा गले के पास से दोबारा रूट्स बनाता है और पौधे में नए कल्ले निकलने लगते हैं और पौधा भूल जाता है कि मुझे अब सीड बनाना है या फ्लावर देना है। तो इस तरीके से आप बेसिल के पौधों को दोबारा से चला सकते हैं। वैसे तो बेसिल का पौधा पेरिनियल होता है, अगर इस पौधे को मॉडरेट क्लाइमेट मिले तो ये पौधा कभी भी मरता नहीं है। और ये देखिए, ये एक आदमी इसी काम को कर रहा है कि जड़ के पास से उसकी जो पुरानी रूट्स होती हैं अंदर ही अंदर टूट जाती हैं, जो टर्सरी रूट्स होती हैं वो सब टूट जाती हैं और पौधा दोबारा से चलने लगता है, टेढ़ा पौधा सब के सब नए कल्ले देता है और वो नए कल्ले आपके पौधे को बिल्कुल ग्रीन बना देते हैं। पता चलता है इस तरह से कि जैसे कोई नए पौधे लगाए हों और पौधा जो ये फ्लावर दे रहा है और इसमें जो फ्रूट सेटिंग हो रही है या सीड की सेटिंग हो रही है वो सब ख़त्म होने लगती हैं आहिस्ता आहिस्ता और आपको एक नई क्रॉप दिखाई देने लगेगी। देखिए, इतना बड़ा पौधा ये इनके सामने, अगर ये सीधा खड़ा रहा तो यही सीड सेट हो जाएगा और आपको ये सीड निकाल के इस पौधे को रीजनरेट नहीं कर सकते आप, वो पौधा मर जाता है, सूख जाता है और वो पौधा किसी भी तरह का नहीं रह जाता, उसमें से आप लीव्स नहीं ले सकते। बेसिल का जो पौधा होता है उसमें लीव्स ही काम के होते हैं, सीड आप बनाना चाहें तो पौधे को सीधा खड़ा रखें और उसमें ही सीड आएंगे, सीड भी बहुत काम के होते हैं, सीड का ड्रिंक बनता है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका ड्रिंक कैसे बनता है और उस ड्रिंक के फायदे क्या होते हैं। जो बेसिल का सीड होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है शरीर के लिए। ये देखिए, ये इस तरीके से इनको जड़ों के नज़दीक से ज़मीन के अंदर से उसे तोड़ देते हैं, लेकिन इस टाइम पे इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखेंगे कि सॉयल के अंदर नमी काफ़ी होनी चाहिए ताकि
गले पे से पौधा टूट ना जाए, अगर वो टूट गया तो फिर लाजमी है पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फूड और पानी की जो सप्लाई ज़मीन से आती है वो सब ख़त्म हो जाती है और पौधा सूख जाता है। कुछ पौधे देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो पहले कभी ऐसे मोड़ दिए गए थे और मोड़ने के बाद उसमें फ्लावर आना बंद हो गया था और नए कल्ले आए हैं, पौधा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी नया लगाया हो। आपको नए पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस पौधे को आप जड़ के नज़दीक से बार बार टेढ़ा कर सकते हैं, उससे पौधा दोबारा चलने लगता है और नए कल्ले आने लगेंगे और आपको नए नए लीव्स मिलेंगे यूज करने के लिए, आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये पौधा बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है, इस पौधे को लिटाया गया और पुरानी रूट्स को तोड़ दिया गया और ये सब रूट्स टूटने के बाद पौधा बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है एकदम से। और इस तरह से आप पौधों को रिजोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद।